गाइस, वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ लोग प्रेजेंट है और कुछ के साथ ऐसे कॉन्सिडेंस हो जाते हैं ना जो हमारे सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को हिलाकर रख देते हैं। तो गाइस, चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो में जहां मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सिडेंस के बारे में बताऊंगा जो आपको पूरी तरह सोच में डाल देंगे। आयला, ऐसा भी होता है क्या? और साथ में गाइस, मैं आपको ऐसे कॉन्सिडेंस भी बताऊंगा जिसकी मिस्ट्री को साइंस की बेसिक पर सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। तो हाँ, आपको इस वीडियो में कुछ अलग और अतरंगा जरूर सीखने को मिलेगा। कॉन्सिडेंस ऑफ नेम। गाइज, अगर आप किसी समुद्री सफर पर जा रहे हो ना तो मेरी एक छोटी सी टिप ले लो, आपका जो कुछ भी नाम हो ना उसे बदल कर हक विलियम्स कर लो। क्या सोच रहे हो, यही ना, इसका बेनिफिट क्या होगा? चलो कोई नहीं, इसका आंसर आपको इस वाले कॉन्सिडेंस से पता चल जाएगा। दरअसल 1960 में एक शिप जो डोवर स्टेट से गुजर रहा था वो अचानक किसी रीजन के चलते पानी में पूरी तरह डूब जाता है और लगी उसमें से सिर्फ एक बंदा बच पाता है जिसका नाम होता है हक विलियम्स। अब एक बार फिर से उसी ओशियन में 1767 में एक और शिप डूबता है जिसमें एक लौता बचने वाला हक विलियम्स ही होता है। चलो इतना तो किसी के भी साथ हो सकता है, बट गजब तो तब हो गया जब 1820 में भी एक और शिप डूबा और फिर से एक लौता हक विलियम्स ही बचा। और गाइस, इससे भी गजब तो तब हो गया जब 1920 में एक और शिप डूबा और बचे दो लोग, चाचा और भतीजा, जिन दोनों का ही नाम हक विलियम्स था। आईपीएल के फैन हो ना तो आईपीएल स्पेशल कॉन्सिडेंस को जानने के बाद आप भी अपने आईपीएल फ्रेंड्स के साथ शेयर करे बिना नहीं रह पाओगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कॉन्सिडेंस वही होता है जहाँ अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आईपीएल की सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है टीम आरसीबी। अब भाई यार, कौन यकीन करेगा कि आईपीएल की सबसे ज्यादा रन उसी टीम ने मारा है जिसने आईपीएल में सबसे कम रन मारा है। और गाइस, यही छुपा है आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सिडेंस। भाई लोग, हम लोगों को ये तो पता ही है कि आरसीबी वो टीम है जिसने आईपीएल में सबसे ज्यादा और सबसे कम रन बनाया है, बट गाइस क्या आपको ये पता है कि ये दोनों ही कारनामा आरसीबी ने एक ही डेट को किया है जो कि है 23 अप्रैल। यस गाइस, आरसीबी ने सबसे हाईएस्ट रन 23 अप्रैल 2013 को बनाया था और सबसे लोवेस्ट रन 23 अप्रैल 2017 को बनाया था। क्राइंग बेबी पोर्ट्रेट। गाइस, ब्रिटेन में 1980 के समय में कुछ गजब ही हो रहा था। वो ये रहा था कि उन दिनों जो भी घर जल रहे थे उनमें सिर्फ एक ही चीज बच पा रही थी और वो थी क्राइंग बेबी की पोर्ट्रेट, जिसे ओरिजिनली गियोवानी ब्रेगोलिन ने बनाया था। ये पेंटिंग उन दिनों इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि लोग इसका कॉपी बनाकर अपने घरों की दीवारों पर टांग देते थे। और गाइस, इसी क्राइंग बेबी के कॉन्सिडेंस को देखते हुए सितंबर 1985 के एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने इसको अपना हेडलाइन बना दिया था। इसकी वजह से लोगों ने इसे घर के बाहर फेंक दिया था। इस खबर के बाद बहुत लोगों का ये मानना था कि ये वही पेंटिंग है जो सबके घरों को जानबूझकर जला रही है, बट गाइस यही बात साइंस को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही थी, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर स्टीव पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो अब इस मिस्ट्री को साइंस के बेसिक पर सॉल्व करेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पेंटिंग को पूरी तरह जलाने की कोशिश की। वहीं पर उनको एक बात समझ में आई कि एक क्राइंग बेबी की पेंटिंग है ना, उसमें एक वार्निश का यूज किया है जो कि एक फायर रिटार्डेंट है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया, ये भी हो सकता है कि पेंटिंग के स्ट्रिंग के जलने से ये पेंटिंग आगे तरफ गिर कर बच जाती होगी, बट भाई लोग ये तो सभी पेंटिंग के साथ होना चाहिए, फिर सिर्फ इसी पेंटिंग के साथ क्यों हो रही थी? और इसी वजह से आज एक अनसॉल्व मिस्ट्री बना हुआ है। मैपिन टी। अच्छा गाइस, आप ये इमेजिन करो कि एक दिन आप सुबह सुबह उठे और जैसे ही गर्मा गर्म चाय पीने गए वैसे ही आप चाय के अंदर कुछ ये देखते हो। चाय के अंदर बबल से बना हुआ इंडिया का एक मैप, काफी इंटरेस्टिंग है ना? पर गाइस, इसे देख के तो सिर्फ यही लगता है कि इस चाय को जरूर हिस्ट्री टीचर ने बनाया है। गजब बेइज्जती है। पर गाइस, सच बताओ ना कि ये कॉन्सिडेंस इतना परफेक्ट है ना कि दिल के कहने के बावजूद भी मेरा दिमाग इसे मानने को राजी ही नहीं है। बट गाइस, अगर ये कॉन्सिडेंस रियल है ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सिडेंस नहीं बल्कि द बेस्ट कॉन्सिडेंस है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बता सकते हो। गाइस, आप लोग गैलीलियो गैलीली, अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को तो जरूर जानते होंगे। यस गाइस, ये वही फिजिक्स के वैज्ञानिक है जिनकी मोटिवेशनल बातें हमको ऐसी सुनाई देती है। इक्वेशन E = mc
C-squared और थ्योरेटिकल बातें कुछ ऐसी। लेकिन क्या आप जानते हो इनके बीच भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जिसे कुछ साइंस ही नहीं मानता। अब आप ध्यान से सुनना, स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी 14 मार्च को, जो कि बर्थ डेट है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, और हॉकिंग बर्थ डेट है 8 जनवरी 1942, जो कि एग्जैक्टली 300 साल बाद का डेट है गैलीलियो के डेथ डेट से। सिंपली बोलूं तो हॉकिंग्स बर्थ डेट इक्वल्स टू गैलीलियो डेथ डेट, और हॉकिंग्स बर्थ डेट इक्वल्स टू अल्बर्ट आइंस्टाइन बर्थ डेट। पूर्ण जन्म का चक्कर है बाबू भैया, पूर्ण जन्म का। तो यही होती है वीडियो खत्म।